गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं आपको आज रेडियो रिसीवर के बारे में बताऊंगी। रेडियो रिसीवर्स के नोट्स मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ, ठीक है। मैंने इसकी पीपीटी तैयार की है, तो इसके थ्रू मैं आपको समझाती हूँ रेडियो रिसीवर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ रेडियो रिसीवर। ए रेडियो रिसीवर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट पिकअप्स द डिजायर सिग्नल, रिजेक्ट्स द अनवांटेड सिग्नल, एम्पलीफाइज द डिजायर सिग्नल, डी मॉड्यूलेट्स द कैरियर सिग्नल टू गेट बैक द ओरिजिनल मॉड्यूलेशन फ्रिक्वेंसी सिग्नल। तो यह एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डिजायर्ड सिग्नल, जो सिग्नल की हमें आवश्यकता है, जो रिसीवर को रिसीव करना चाहिए, उस सिग्नल को पिक करता है। रिजेक्ट्स द अनवांटेड सिग्नल, जिस सिग्नल की हमें आवश्यकता नहीं है, ऐसे सिग्नल्स को, अनवांटेड सिग्नल्स को ये रिजेक्ट कर देता है। तो जो पिक किया है इसने डिजायर सिग्नल, उनको ये एम्पलीफाई द डिजायर सिग्नल, उनको ये एम्पलीफाई करता है, उनका एम्पलीफिकेशन करता है, और डीमोड्यूलेट करता है द कैरियर सिग्नल टू गेट बैक द ओरिजिनल मॉड्यूलेशन फ्रिक्वेंसी सिग्नल। तो जो हमने मॉड्यूलेशन किया था जिस सिग्नल का, उसको वापस ओरिजिनल फॉर्म में डीमोड्यूलेट कर देता है। तो रिसीवर पर आप क्या क्या देखेंगे कि एक रिसीवर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसने डिजायर सिग्नल को पिक किया, अनवांटेड सिग्नल को रिजेक्ट किया, और डिजायर सिग्नल जिसे पिक किया था उसको मॉड्यूलेट किया, एम्पलीफाई किया, और उसके बाद उससे ओरिजिनल फॉर्म में जो सिग्नल है उसको लाने के लिए डी मॉड्यूलेशन किया। तो एक तरह से हम ऐसे भी डेफिनेशन इसकी बना सकते हैं, रेडियो रिसीवर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट रिसीव रेडियो वेव्स एंड कन्वर्ट्स द इंफॉर्मेशन कैरीड बाय देम टू यूजेबल फॉर्म। तो रेडियो रिसीवर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो रिसीव करती है किसको, रेडियो वेव्स को, और उनको इंफॉर्मेशन जो हमारी एक यूजेबल फॉर्म में उसमें कन्वर्ट कर देती है। तो एक डायग्राम के थ्रू समझाया गया है कि हमने कोई सिग्नल बोला, ऑडियो सिग्नल हमने बोला, वो सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में ट्रांसड्यूसर के द्वारा बदल दिया गया। ये सब काम ट्रांसमीटर पर किया गया और इस सिग्नल को ट्रांसमीटर से हमने ट्रांसमिट कर दिया। तो रिसीवर पे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आई, रिसीवर ने रिसीव करा जो डिज़ायर थी उनको, और उसको वापस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में बदल दिया, और ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल वापस डीमोड्यूलेट होकर ट्रांसड्यूसर के द्वारा वापस ओरिजिनल सिग्नल में जिसमें आया था, उसमें जिसको भेजना था वहाँ वो पहुँच गया। अच्छा, रिसीवर में कुछ क्वालिटीज़ हैं, ये होनी चाहिए सेलेक्टिविटी, सेंसिटिविटी और फिडेलिटी, ये करेक्टरिस्टिक्स हैं रिसीवर की। तो सेलेक्टिविटी क्या होता है, जो मैंने बताया कि डिज़ायर्ड सिग्नल जो हमें चाहिए, वो सिग्नल उसको सेलेक्ट करना ही सेलेक्टिविटी होता है। जैसे अब देखो सेलेक्टिविटी क्या होता है, इट रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ द रिसीवर टू सेलेक्ट द सिग्नल ऑफ डिज़ायर्ड फ्रिक्वेंसी, जिस फ्रिक्वेंसी का हमें सिग्नल चाहिए उसको सेलेक्ट करना, उसकी ये क्वालिटी उसकी सेलेक्टिविटी कहलाती है, वाइल रिजेक्ट ऑल अदर्स, जबकि बाकी फ्रिक्वेंसी को रिजेक्ट कर देना, ठीक है, केवल डिज़ायर्ड वाले को सेलेक्ट करना। तो द बैंडविड्थ ऑफ ए ट्यून्ड सर्किट इज मेजर ऑफ द सेलेक्टिविटी। तो जो सेलेक्टिविटी है ट्यून्ड सर्किट की, वो कैसे मेजर करते हैं, उसकी जो बैंडविड्थ होती है वही उसकी सेलेक्टिविटी कहलाती है। सेकंड करेक्टरिस्टिक्स थी रिसीवर की सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी होती है ये रिसीवर की वह एबिलिटी है जिससे वह वीकेस्ट पॉसिबल सिग्नल को डिटेक्ट कर सकता है कि सबसे वीकेस्ट पॉसिबल सिग्नल कौन सा है, दैट इज़ नोन एज सेंसिटिविटी। इसको माइक्रोवोल्ट में या फिर डेसिबल में हम मेज़र कर सकते हैं, उसमें एक्सप्रेस करते हैं इसको। द सेंसिटिविटी ऑफ ए रिसीवर मोस्टली डिपेंड्स ऑन द गेन ऑफ द IF एम्पलीफायर, जो उसमें IF एम्पलीफायर यूज़ होते हैं रिसीवर में, तो वो उनके गेन पे ही डिपेंड करती है रिसीवर की सेंसिटिविटी। नेक्स्ट है फिडेलिटी, यह भी एक रिसीवर की करेक्टरिस्टिक्स है। तो द एबिलिटी ऑफ ए रिसीवर टू रिप्रोड्यूस फेथफुली ऑल द फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट इन द बेस बैंड सिग्नल इज कॉल्ड फिडेलिटी। यह रिसीवर की वह एबिलिटी है कि जितने बेस बैंड सिग्नल में फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट थे उनको रिप्रोड्यूस कर देना फेथफुली, सभी कंपोनेंट्स को, कोई भी कंपोनेंट नहीं रहे बेस बैंड सिग्नल में, जितने फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट थे सबको वापस रिप्रोड्यूस करना ही फिडेलिटी है, उसकी एबिलिटी कहलाती है। फिडेलिटी इज डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन इन AM रिसीवर बिकॉज गुड फिडेलिटी रिक्वायर्स मोर बैंडविड्थ। जैसे कि हम जानते हैं जो AM रिसीवर होते हैं उसमें
फिडेलिटी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है क्योंकि एएम सिग्नल में जो है बैंडविड्थ कम होती है और फिडेलिटी को की रिक्वायरमेंट होती है कि बैंडविड्थ ज़्यादा हो। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रेडियो रिसीवर। तो अभी रेडियो रिसीवर समझ में आ गया क्या होता है। अब ये टाइप्स हैं इसके, बेसिकली ये वैसे तो ये तीन टाइप्स के भी होते हैं, तीन टाइप्स के दिया हुआ है बुक में, क्रिस्टल रिसीवर, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जो क्रिस्टल वाला है वो यूज़ में नहीं है। तो ट्यून रेडियो फ्रिक्वेंसी रिसीवर, TRF रिसीवर और सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर, ये ही इसके मेन हैं जो टाइप्स में आते हैं। तो TRF रिसीवर और सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर, आप चाहें तो क्रिस्टल वाला मैंने आपको नोट्स में दे रखा है, वो आप पढ़ सकते हैं वहाँ से। तो TRF रिसीवर के बारे में बताती हूँ। TRF रिसीवर का ये एक ब्लॉक डायग्राम आप देख सकते हैं, बहुत सिंपल ब्लॉक डायग्राम है। दो RF एम्पलीफायर हैं, एक डिटेक्टर है, ऑडियो एम्पलीफायर, पावर एम्पलीफायर है और लाउड स्पीकर है। तो एक एक करके देखते हैं ये इसके कंपोनेंट्स हो गए। तो जो पहला है रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर, ये क्या करता है, जो रेडियो सिग्नल्स आए हैं एंटीना के थ्रू उसको एम्पलीफाई करता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को। तो मैंने आपको जब ये नोट्स दिए थे तो उसमें मैंने आपको मेंशन किया हुआ है उसमें कि वहाँ जो TRF रिसीवर है वहाँ पे एक एम्पलीफायर से हम काम नहीं चल पाता है, तो हमें वहाँ पे दो RF एम्पलीफायर लगाने पड़ते हैं ताकि हम ज़्यादा सिग्नल को एम्पलीफाई कर पाएँ, ज़्यादा दूरी तक भेज सकें, ठीक है। तो हम यहाँ पे दो एम्पलीफायर लगे हुए हैं। डिटेक्टर क्या होता है, उस सिग्नल जो एम्पलीफाई हुआ है उसको डिटेक्ट कर लेगा। उसके बाद ऑडियो एम्पलीफायर क्या है, उसके वोल्टेज लेवल को बढ़ाएगा, उसको एम्पलीफाई करेगा। और पावर एम्पलीफायर सिग्नल के पावर लेवल को बढ़ाएगा ताकि लाउड स्पीकर पे वो सुना जा सके। विदाउट पावर लेवल बढ़े हम सिग्नल नहीं सुन सकते हैं लाउड स्पीकर पे, ठीक है, ये लाउड स्पीकर कह लो या लोड कह सकते हैं। तो ये हमारा TRF रिसीवर हो गया। इसकी लेकिन कुछ डिसएडवांटेज हैं, क्या, ट्रैकिंग ऑफ ट्यून सर्किट, जो इसमें ट्यून सर्किट है उसको ट्रैक करना मुश्किल है। इनस्टेबिलिटी, ये इनस्टेबल है। वेरिएबल बैंडविड्थ, और इसकी बैंडविड्थ भी फिक्स नहीं है, वेरिएबल बैंडविड्थ है, चेंज हो जाती है। अच्छा, सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर आप देखो, इसमें जो अभी हम पढ़ रहे थे TRF रिसीवर, उसके दूसरा है सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर। तो ये RF, इसमें क्या क्या है, RF स्टेज, मिक्सर, IF एम्पलीफायर, डिटेक्टर, ऑडियो पावर एम्पलीफायर, लोकल ऑसिलेटर। इसमें लोकल ओसिलेटर मेन चीज़ है जो आया है इसमें हटके। इसमें फ्रिक्वेंसियों की तुलना होती है। तो देखो एंटीना क्या करता है, सबसे पहले ये वीक सिग्नल को लेता है, RF एम्पलीफायर को देता है। RF एम्पलीफायर क्या करता है, इनिशियल गेन और सेलेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। लोकल ओसिलेटर क्या कहलाता है, ये एक लिमिटेड फ्रिक्वेंसी प्रोवाइड कर देता है। ओसिलेटर से फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है तो एक ऑपरेटिंग लिमिट प्रोवाइड कर देता है कि इतनी फ्रिक्वेंसी पे रिसीवर काम करेगा। फिर मिक्सर है, इट रिसीव द आउटपुट ऑफ द RF एम्पलीफायर एंड इनपुट ऑफ द लोकल, ये दोनों का मिक्स करता है, दोनों से आउटपुट लेता है, RF एम्पलीफायर से और लोकल ऑसिलेटर से। तो IF एम्पलीफायर क्या करता है, जितना भी रिसीवर को गेन जो होता है वो IF एम्पलीफायर देता है। तो मोस्ट ऑफ द रिसीवर गेन ऑब्टेंड हेयर इन IF एम्पलीफायर। तो अब आप यहाँ से एक बार फिर से देख लें, सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर, ठीक है, बस इसमें ये ध्यान रखना है, इसमें क्या चेंज आया कि इसमें दो फ्रिक्वेंसी आएंगी जिनको कंपैरिजन करा जाएगा। ये है, एक फ्रिक्वेंसी स्टैंडर्ड फ्रिक्वेंसी होगी जो लोकल ऑसिलेटर जो वो जनरेट करेगा, तो इसमें फ्रिक्वेंसी का कंपैरिजन होता है। ओके, थैंक यू।